अस्सलाम फ्रेंड्स, ऑनलाइन एवेलेबिलिटी पे एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा जो कि आप लोगों ने थंबनेल पे एक एरर देखा होगा, जिस एरर का नाम है WS हेल्पर, जो कि आप लोगों को मैं भी लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर लेके चलता हूँ, जो कि मेरे पास प्रॉब्लम पिछले वीक से पूरी आ रही थी। और ये क्यों आई थी ये मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। असल में बेसिकली मैंने कुछ USB कनेक्ट की थी और एक एक्रोबेट रीडर इंस्टॉल किया था। जब मैंने एक्रोबेट इंस्टॉल किया उसके बाद मैंने कुछ वायरस वाली USB कनेक्ट किए, उसमें था वायरस जो कि अटैक कर दिया मेरे सिस्टम को। उसके बाद क्या हुआ कि ये एरर आना शुरू हो गया जो आप लोगों को थंबनेल पे नजर आया, मैं आप लोगों को अभी दिखा देता हूँ। इस एरर को रिमूव करने का सिंपल आसान तरीका, वैसे तो बहुत ज़्यादा ये पैड मिल रहे थे 74,000 का, मुझे ये लिंक पैड मिल रहा था जो कि मैंने वेबसाइट पर सर्च किया, लेकिन उसके बाद मैंने रिसर्च लगाई कि फ्री में ये काम कैसे होगा। 2 दिन लगे रिसर्च करने में, लेकिन इस 2 दिन की मेहनत से ये एक सॉफ्टवेयर ये मुझे तरीका मिला जो कि मैं आप लोगों को शेयर करने जा रहा हूँ। चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के अंदर, वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब हमारा आ गए लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर, आप लोग देख सकते हैं ये एरर था WSHelper.exe सिस्टम एरर फाइल रेस प्रोग्राम कांट रिस्टार्ट CVS क्रिएट VC.DL। अगर मैं ये एरर लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल CVS एंड क्रिएट CVS, मैंने ये पहले लिखा हुआ था और इस तरह से मैंने डाउनलोड पर क्लिक किया और जब मैं गया इसकी फर्स्ट लिंक के ऊपर, यहाँ पर आप लोगों को यही लिंक मतलब ये जो फाइल है ये वाली फाइल जो है ये आपको पैड मिल रही है। देखें अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये कितने पैसे मुझसे मांगता है, $17। अगर मैं डाउनलोड पर क्लिक कर देता हूँ, चलो ठीक है मुझे डाउनलोड करनी है फॉर एग्जाम्पल फाइल, ये क्लाइंट सेटअप एक डाउनलोड पे लगा देता है, इसको पास करता हूँ बाय नाउ पर क्लिक करता हूँ। जब मैंने बाय नाउ पर क्लिक किया तो यहाँ पर $17 की मुझे फाइल ये खरीदनी पड़ेगी और ये फाइल पोस्ट करनी पड़ेगी मुझे अपनी सी ड्राइव के अंदर। ये यहाँ पर रियायत करके इन्होंने 16 यूरो पता नहीं मांग रहा। देखें पेपाल से लें, वायर ट्रांसफर लें, बैंक अकाउंट से किसी भी ले लें, आपकी मर्जी है। जब ये फाइल यहाँ पर डाउनलोड करेंगे अपनी सी ड्राइव में डालेंगे, आपके पास जो है ये एरर ख़त्म हो जाएगा। इसको मैं ज़रा कैंसिल कर देता हूँ, ये वाला एरर, जब ये एरर ख़त्म हो जाएगा तो आपकी पैसे लगेंगे। अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट वाला। आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल ये जो नाम लिखा है वंडर शेयर, इसको आपने सिंपल यहाँ पर करना है रीनेम, इसको करना है कॉपी। मैं तो यहाँ पर कॉपी करके दिखा रहा हूँ, बेसिकली असल में ये फोल्डर है। अब ये नहीं कि आपको पता लगे फोल्डर, वीडियो स्किप कर दें ऐसा नहीं कीजिएगा, पूरी वीडियो देखें। वंडर शेयर को लीजिए आप, सी ड्राइव में आ जाए, इधर सर्च कर दें वंडर शेयर। ये जो वंडर शेयर है इसको आपने अपने सी ड्राइव में से डिलीट करना है पूरे को। बेसिकली एक्रोबेट का पूरा सेटअप है, हेल्पर है ये, उसका हमारे किसी काम का नहीं, आपके भी किसी काम का नहीं, जिंदगी में कभी आप यूज़ नहीं करेंगे उसको, ऐसी चीज़ है। लेकिन आपने वंडर शेयर यहाँ पर सर्च करना है सी ड्राइव में, ये प्रोग्राम फाइल में, विंडो फाइल में और प्रोग्राम फाइल x86 वाले के अंदर होगी, मतलब जिसके पास विंडोज 64 बिट है या 32 बिट है, दोनों विंडो में आपके पास अगर एरर आ रहा है तो आप लोगों ने वंडर शेयर सर्च करना है। और इस नाम का जो फोल्डर होगा इसको मैं ओपन करके दिखा देता हूँ आपको, वंडर शेयर हेल्पर कॉम्पैक्ट। अब मैं एरर दिखाता हूँ आपको, एरर देखें ये एरर था वंडर शेयर हेल्पर .exe, मतलब इसी फोल्डर के अंदर एरर था। आप सिंपली इस फोल्डर को खोलें और खोल के देखें, सारी ये फाइलें होंगी वंडर शेयर हेल्पर, ये फाइलें होंगी, इन टोटल फाइल्स को आपने सिंपली डिलीट कर देना है अपनी सी ड्राइव से। जैसे ही आप इसको डिलीट करेंगे, देखिए वंडर शेयर हेल्पर कॉम्पैक्ट, वंडर फिल्मोरा, वंडर शेयर, ये जितनी वंडर शेयर की फाइलें ये आप लोगों ने सब डिलीट कर देंगे। जब आप डिलीट कर देंगे आपका कुछ नहीं जाएगा हेल्पर से, इसके अंदर रिमूव होने के बाद अपने सिस्टम को रिस्टार्ट करें, सिंपली आपका जो है सेटअप ओके हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपकी आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो मेरे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, सब्सक्राइबर बहुत कम है यार, कोशिश की दी है, दोस्तों को भी शेयर करें। मिलते हैं कल की नई वीडियो के साथ, अल्लाह हाफिज़।